फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, इसके हिसाब से जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो MMRC 2.0 है उसमें से F-21 और साब ग्रिपन सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ये बात और है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट के जो चांसेस थे MMRC 2.0 में वो पहले से ही काफ़ी कम थे। वहीं पर बात करें MMRC 2.0 के बारे में, तो पिछले 2 साल से इसके बारे में कोई कंक्रीट चीज़ निकल कर सामने नहीं आई है। तो अगर पुराने MiG-21s को जल्दी रिटायर करना है, आपको MMRC 2.0 को जल्दी फाइनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि LCA तेजस Mk-1A की जो डिलीवरी है वो 2023-24 से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है, और उसमें भी अराउंड 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से आपको एयरक्राफ्ट मिलेंगे। तो अगर आप LCA तेजस के साथ ही 4 स्क्वाड्रन बनाते हैं जो कि अभी MiG-21 के हैं, तो ये 2028-29 से पहले पॉसिबल नहीं होगा, और तब तक आप MiG-21 को पुश नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम लिमिट बताई जा रही है 2024 तक जो MiG-21 है उनको रिटायर होना है। और अगर आप MiG-21s को रिटायर करके LCA तेजस को आराम से इंडक्ट करते हैं तो जो स्क्वाड्रन शॉर्टेज है वो सीवियर लेवल पर पहुँच जाएगा। तो ये 2-वे प्रोसेस हो तो ज़्यादा बेहतर, यानी कि एक जगह से आपके स्क्वाड्रन्स रिटायर हो रहे हैं, दूसरी जगह से नए एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम 2022 को मान के चले कि MMRC 2.0 कंक्लूड होता है और जो डील है वो साइन हो जाती है, तो 2024 से पहले MMRC 2.0 के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर होना चालू नहीं होंगे। और अगर 2024 में जो डिलीवरी है वो चालू होती है, तो LCA तेजस के साथ MMRC 2.0 में जो एयरक्राफ्ट चूज़ किया जाता है ये मिलकर 1 साल में कम से कम 2 स्क्वाड्रन बनाएंगे, यानी कि 2025 तक इजीली 4 स्क्वाड्रन आपके पास हो जाएंगे, जो कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा MiG-21 के स्क्वाड्रन्स का। तो अगर 2024 आपका MiG-21 का रिप्लेसमेंट प्लान है, तो 2022 तक आपका जो MMRC 2.0 है वो कंक्लूड हो जाना चाहिए। तो MMRC 2.0 को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रफाल से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर एडिशनली 36 रफाल का फॉलोअप ऑर्डर दिया जाता है डेसो को, तो वो भी 2 स्क्वाड्रन को फॉर्म करेगा, और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो इंडियन गवर्नमेंट पे कम पड़ेगा। साथ में अगर हम इजिप्ट का एग्जांपल लें, तो जो सेकेंड बैच के रफाल होते हैं वो कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा जो सेंस बनाती है वो ये है कि MMRC 2.0 को स्क्रैप करके फर्दर रफाल के ऑर्डर दिए जाएं। तो जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का इंपोर्ट बैन हुआ है, इसका फ़ायदा मिलने वाला है LCA तेजस Mk-2 को, यानी कि इंडिया के मीडियम वेट फाइटर प्रोग्राम को। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि अगर फर्दर 36 रफाल और लिए जाते हैं, तो 2025 तक हमारे पास रफाल के 2 और स्क्वाड्रन होंगे, उसके साथ तेजस Mk-1A के भी 2 स्क्वाड्रन होंगे। तो 2025 तक 2 स्क्वाड्रन रफाल की डिलीवरी होने के बाद आपके पास 1-2 साल का पीरियड रहेगा, उतने में जो आपका तेजस Mk-2 है वो प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद और रफाल के ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने देसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो तेजस Mk-2 की कैपेबिलिटी होगी वो रफाल को मैच करेगी, साथ में सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से कंपेरेटिवली इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा। तो ये हम जानते हैं कि जो तेजस Mk-2 है उसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में होने वाली है। तो इसकी टेस्टिंग वगैरह के पीरियड में अगर इंडियन एयरफोर्स सेटिस्फाइड होकर इसके ऑर्डर्स 2025 तक दे देती है, तो इसकी जो डिलीवरी है वो 2027-28 से चालू हो जाएगी। तो इनकी डिलीवरी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन संख्या है वो बढ़ना चालू हो जाएगी। तो बेसिकली MMRC 2.0 के बिना भी काम चल सकता है अगर 36 और रफाल ले लिए जाएं, और साथ में जो टाइमलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अपने दूसरे टॉपिक को। तो अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था MiG-21-2000 को, जो कि इजरायली अपग्रेड था MiG-21 का, जहाँ पर हमने बताया था कि जो MiG-21 बिस की इजेक्शन सीट है उसको यहाँ पर रिप्लेस करके मार्टिन बेकर की Mk-16-00 इजेक्शन सीट को लगाया गया था। तो ये अपग्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग अपग्रेड था, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 बाइसन का अपग्रेड किया, क्या वो इसराइल के अपग्रेड पर बेस्ड होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये समझने के लिए हम MiG-21-2000 को समझ लेते हैं। तो इसराइल ने जो MiG-21-2000 का अपग्रेड है उसको बेसिकली किया था रोमानियन एयरफोर्स के लिए। तो ये एक प्रपोजल था
जिसको mid-90s में प्रपोज किया गया था। तो इस अपग्रेड के अंतर्गत जो वेपन कंट्रोल सिस्टम है और जो कॉकपिट वगैरह है उसको चेंज किया गया था। तो कॉकपिट में क्या किया गया था कि दो मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस को लगाया गया था ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो इजी टू रीड हो, और साथ में इस एयरक्राफ्ट को डैश हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ अपग्रेड किया गया था, यानी कि क्लोज रेंज में ये एयरक्राफ्ट और भी ज़्यादा डेडली हो गया था। बाकी हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कंट्रोल्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो हड है यानी कि हेडसअप डिस्प्ले है उसको भी चेंज किया गया था, और साथ में अब फ्रंट कंट्रोल पैनल को भी लगाया गया था। साथ में जो एयरक्राफ्ट का एवियोनिक्स पैकेज है उसको ओपन आर्किटेक्चर रखा गया था ताकि फ्यूचर में अगर कोई वेपन वगैरह इंटीग्रेट करने हो तो इशू ना आए। बाकी नेविगेशन के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन और GPS वगैरह भी लगाया गया था। रेडार को यहाँ पर चेंज किया गया था, जो RP-22 रेडार है उसको रिप्लेस करके यहाँ पर ELM-2032 रेडार को लगाया गया था। ये जो ELM-32 रेडार है इसका एक वेरियंट LCA-13 में लगा हुआ है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को भी लगाया गया था, साथ में जो फ्लेयर्स हैं वो पीछे की तरफ लगाए गए थे। नेविगेशन की बात करें तो यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS दोनों दिए गए थे। तो ये एयरक्राफ्ट अपने 5 हार्ड पॉइंट्स में करीबन 1500 किलोग्राम्स का जो पेलोड है उसको कैरी करने में सक्षम था। साथ में ये एयरक्राफ्ट लेज़र गाइडेड वेपन को भी फायर करने में सक्षम था क्योंकि इसमें राफेल का लाइटनिंग पॉड लगाया जा सकता था। बाकी ये रिकॉग्निजेंस मिशन वगैरह भी परफॉर्म कर सकता था अपने थर्मल इमेजिंग पॉड को लेकर। तो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने करीबन 1300 लीटर्स का एक सेंटर लाइन ड्रॉप टैंक भी इसमें ऑफर किया था, जिसकी मदद से ये ज़्यादा डिस्टेंस भी फ्लाई कर सकता था और इसके जो विंग पायलॉन है वो फ्री रहते। साथ में इसराइल ने अपनी Python-3 एयर टू एयर मिसाइल भी इसके साथ ऑफर करी थी। तो कई मामलों में ये जो अपग्रेड है वो MiG-21 बाइसन के अपग्रेड से काफ़ी बेटर था। पर एक कमी जो यहाँ पर नज़र आती है वो ये है कि कोई BVR मिसाइल यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं करी गई थी, और इसके पीछे कारण भी है कि नोज कोन छोटी होने की वजह से जो ELTA-2032 रेडार इसमें लगा है उसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो मैक्सिमम 60 से 70 किलोमीटर की होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई BVR मिसाइल लग नहीं सकती, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम पर बेस्ड है तो यहाँ पर BVR मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इसराइल चाहता तो यहाँ पर अपनी जो डर्बी मिसाइल है उसको इंटीग्रेट कर सकता था, जो कि परफेक्टली सेंस बनाती इस एयरक्राफ्ट के लिए। तो एक MiG-21 का जो अपग्रेड है वो अराउंड $4 मिलियन का पड़ रहा था। साथ में ये जो एयरक्राफ्ट है ये ज़्यादा सेफ था और ज़्यादा कैपेबल था। तो पर्सनल ओपिनियन की यहाँ पर बात करें, ये अपग्रेड हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर था। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।